अबे मेरे विलेज के अंदर आग लग चुकी है यार, ये कैसे हुआ? एंड वेट, ये जॉइंट ज़ॉम्बी क्या कर रहा है इधर मेरे विलेज में? एंड ये खुद तो मर ही रहा है, मेरे विलेज को भी जला दिया। पहले सही करता हूँ एंड इसके पास जाके देखूँ क्या? नहीं, ये मुझे पूरा मार देगा, इससे दूर ही रहते हैं। पता नहीं क्या हो चुका है यार। अबे विलेजर, ये हो क्या रहा है इधर? ये हमारे विलेजर का काम है जो कि हमारे विलेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। एंड उसने आज जाइंट ज़ॉम्बी डाल के हमारे पूरे विलेज को जला दिया यार। वेट, तो वो विलेजर किधर है? वो विलेजर तो भाग चुका है यार। तो इधर खड़ा क्या है, उसे पकड़ने चल यार, क्योंकि वो बच गया तो बहुत ज्यादा गलत कर देगा यार। तो यार मैंने विलेजर से बात कर लिया एंड वो बोल रहा है कि सामने की साइड जाना है एंड वो भी हमारे साथ चल रहा है, तो सही है, उसे जल्दी से पकड़ के लाते हैं। तो गाइस मुझे विलेजर दिख चुका है, मैं उसको पकड़ने के लिए जा रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि वो भाग ना जाए बस। एंड वेट, जल्दी से पहला तो इसे मारूं एंड बस भाग ना जाइए। एंड अबे विलेजर, तूने इसे मारा क्यों? मुझे लगा कि इसे मारना होगा। तो यार हमने विलेजर को मार दिया है, बट कोई नहीं यार, हमने गलती से मारा है। अभी निकलते हैं इस जगह से, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे बंदे को मारा है जो कि बहुत कुछ कर सकता था। अभी इस जगह से निकलते हैं, जल्दी से विलेज में जाते हैं। तो अभी मैं विलेज के अंदर आ चुका हूँ एंड अपने विलेज को तो बाद में रिपेयर करेंगे, पहले तो सोने के लिए चलते हैं यार जल्दी। एंड ठीक है, तो बेड पे मैं सो चुका हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट डे। अबे डेथलॉक से उठ क्यों नहीं रहा यार तू? क्या हो चुका है, क्या हो चुका है यार, क्या प्रॉब्लम हो गई है? मुझे उठा दिया तूने रात में। अबे बहुत सारे ज़ॉम्बी एक साथ खड़े होके कुछ बात कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या हो चुका है, जल्दी से चल यार उधर। हाँ वो तो मैं चल रहा हूँ, बट ये हो क्या रहा है यार अपने विलेज के अंदर? कभी कुछ ही हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी मैं चल रहा हूँ यार, तेरे पीछे ही आ रहा हूँ। वेट, ये पता नहीं क्या हो रहा है, इतने सारे ज़ॉम्बी एक जगह पे खड़े होके पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक बार इनकी बात सुनते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गलत लग रहा है मुझे तो। तो तुम्हें मेरा प्लान तो पता है ना, कि हमें एक जायंट ज़ॉम्बी बनाना है जिसको हमें एक पास वाले विलेज के अंदर भेजना है, जिससे वो तबाह हो जाए और सारे के सारे विलेजर और वो डेथ लॉक से पूरा मर जाए। अबे यार ये ज़ॉम्बी तो मेरे को मारने का प्लान बना रहे हैं, पहले तो इस जगह से निकलता हूँ एंड सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए। अबे यार विलेजर बता, हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें जायंट ज़ॉम्बी के लिए बहुत बड़ा केज बनाना होगा यार, तो चल जल्दी से उस केज को बनाने के लिए चलते हैं। तो गाइस मैंने केज बना लिया, इतनी बड़ी एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। अभी मैं बताता हूँ कैसे वर्क होगी। तो हम ज़ॉम्बी इसके अंदर आएगा और मैं तुरंत ही आयरन बार से इसे बाहर से बंद कर दूंगा, तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम है बट ठीक है। अभी मैं मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि अभी मैं विलेजर को भी बताने वाला हूँ, इसको भी नहीं पता है ना किसी विलेजर को पता है, तो इस विलेजर को लेके चलते हैं उस जगह पे। तो यार विलेजर तू मेरे साथ चल, मैं तो ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ बहुत तगड़ी। तो गाइस अपने सामने ये वो चीज़, बस हमें इस डर्ट को हटाना होगा, तो इसको हटाते हैं एंड लेट्स गो गाइस। तो अपनी मेन चीज़ आ चुकी है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था एंड ये बहुत तगड़ी चीज़। अभी डेथलॉक्स, ये क्या चीज़ है, इतनी ज़्यादा बड़ी एंड बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है यार। ये है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक जिसको मैं आज यूज़ करने वाला हूँ एंड ये फायर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से करती है। तो लेट्स गो गाइस, अभी इसे यूज़ करते हैं, बट उससे पहले तैयार हो जाता हूँ। तो लेट्स गो गाइस, मैं तैयार भी हो चुका हूँ, पूरा डायमंड आर्मर मैंने पहन लिया है एंड अभी मैं इस टैंक को यूज़ करने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने रख रखा था बस। एंड ठीक है यार, मैं बैठ चुका हूँ एंड बाहर निकलते हैं इस जगह से। और अभी मैं उन ज़ॉम्बीज को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, वो गए यार, ज़ॉम्बीज तो बिल्कुल गए। एंड चलते हैं यार, ज़ॉम्बी वैसे आ ही चुका है, जाइंट ज़ॉम्बी तो आ चुका है, इसे मारते हैं यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड उसे डैमेज पड़ रहा है, इतना ज़्यादा तगड़ा डैमेज पड़ रहा है। दोबारा से मारते हैं एंड लेट्स गो, तो मर जाए यार। एंड अबे यार अपना घर जल चुका है, विलेजर का घर। एंड लेट्स गो यार, वो ज़ॉम्बी तो मर चुका है, जाइंट ज़ॉम्बी। एंड अभी बहुत सारे छोटे बच्चे बच्चे हैं, उन्हें अभी मारते हैं यार, बट ठीक है अभी मारते मारते मैं इस जगह पे आ चुका हूँ। वेट, मेरा पूरा टैंक टूट चुका है यार, पूरा टैंक ही फट गया। बट यार गाइस आज की वीडियो से इतना ही एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।